बाईचुड़ाई चू अब सेबिकू का पोषण पुनर्वास केंद्र मतलब एनआरसी अस्पताल का जुमुनी अच्छा तरह टेन हाडी होना लेकिन इन्हीं पोषण पुनर्वास केंद्र गेन आबू गिडाकू का देखो रेखो लंटी अरुकेन गिडाकू केन चुच चुच चरेवा डे बारेन से समझवा हजेवा साबाई कुगा माने विचार होना हाजे आबू इज आपे साबाई कुगा बोडो पोषण पुनर्वास केंद्र केन डोगे पोषण पुनर्वास केंद्र यानी एनआरसी स्वास्थ्य विभाग द्वारा आरुकेन केंद्र बे मिया खूब कमजोर गिडाकू केन इलाजो डो गिडाकू देखो रेखो लेंटिन एलेन डोडोवा पोषण पुनर्वास केंद्र गेन म्या डॉक्टर म्या पोषण कार्यकर्ता बारी आटा उदाई बाई डोयेटा बार किंज देखो रेखो लंटी भी इनी बाई किंज ठाड़वा पोषण पुनर्वास केंद्र गेल्या टेन ईसा पर कोम गिडिया टिक्का एलेन खूब कमजोर गिडाकू देखभाल डोवा इनी केंद्रेन ससमझाओ गगल घल्टी अच्छा जगह म्या आटा उटू उदरवा उरा यानी रसोई घर डो म्या शौचालय भी टिक्का इनी केंद्रेन कमजोर गिडाकू आजोम भी ठाड़वा जगह टिक्का पोषण पुनर्वास केंद्रेन डाकेना टेन मुनाई साला ठाएन गिडाकू केन डोकुबा डिकू आंगनवाड़ी कार्यकर्ता डो आशा कार्यकर्ता बाई किच का साठोन सेवेवा पोषण पुनर्वास केंद्रेन खूब कमजोर गिडाकू केन का भर्ती केन नियमानुसार भर्ती कुबा डेलेन डिकू केन अस्पताला डो पोषण सुधार सेवा भी जिएबा एनआरसी गेन खास आफे भर्ती नियमा पालन डाउबा एमयूएससी टेपो द्वारा नापुकुआ वजन अनुसार ऊंचाई डो वजन अनुसार लंबाई डो आफे नियम नागन साड़केम अनुसार डाउबा इन्हीं केंद्रेन खूब कमजोर गिडाकुगा भर्ती बाडोन रागेज आजेबा या बाने एने परीक्षण भी डाउबा एने आधार टेन गिडाकू केन अलग अलग फेजेन 14 टेन 21 दिन ताएन डोकुबा एनआरसी में जिस भी बच्चे को हम भर्ती करते हैं वो अति कुपोषित बच्चे को हम भर्ती करते हैं जो भी बच्चा हमारे यहाँ भर्ती के लिए आता है तो हम उस बच्चों को जांच के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं यदि किसी बच्चे को हाइपोथर्मिया है हाइपोथर्मिया यानी उस बच्चे का शरीर का तापमान कम होना या फिर उस बच्चे को हाइपोग्लाइसेमिया होना यानी शरीर में शुगर की मात्रा शक्कर की मात्रा का कम होना डिहाइड्रेशन होना यानी शरीर में पानी की मात्रा की कमी होना उसके साथ साथ यदि किसी बच्चे को एनीमिया रहता है यानी बच्चे के शरीर में एचबी कम होना हीमोग्लोबिन कम होना इन सब की जांच के लिए हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं इसके साथ साथ बच्चों का एक्सरे भी किया जाता है पोषण पुनर्वास केंद्र गेन डॉक्टर खूब कमजोर गिडा केन रोजो दिन डोडो हाजेबा डो गिडा को आवश्यक अनुसार इलाज डायबा गिडाकुटेन संबंधित स्वास्थ्य पोषण डो अलगो अलगो जानकारी सगुआ येने बाडोन एनआरसी रिकार्ड डोवा डो लिखा ट्यूवा पोषण पुनर्वास केंद्रेन खूब कमजोर गिडाकू आयोम कुकेन कमजोरी टेन बचाओ डो अच्छा टेन देखरेख लेंटिन मांडी से समझाओवा डिकुकेन रोजो का 70 रुपया ढाड़की डो पूरा भर्ती दिन का मुआवजा घटाऊआ कैमजोरी गिड़ा गेलेन आजोबा भी ठाड जरूरी का आजोमा केन आटा भी घटा हुआ इनी वंदना बाई जी खालवा एनआरसी का पोषण प्रशिक्षक भर्ती केन आबू गिडाकू का खान पान डो आटा उठू उदरा लंटी इनी जा का इनी का बाई डिज आबू माठेन का ठाड़वा डोडी जा इनी का काम में ये जिरी जिरी गिडाकू का घाल्टी आटा उदरवा पोषण प्रशिक्षक स्वयं अपना का ध्यान टिंका गिडाकू केन खास आटा उदारेबा गिडाकू केन आफई रेंगो आटा उदराएबा F75 इनी आटा धोनेज रेंगो उदरुवा येने गाइडीडोम डो दूध पाउडर शक्कर नारियल जोजोम सुनुम डो डी कन डागा साटोन मिलावटेन उधारेबा इनी इफर गिडाकू केन जिएबा डिकू फेज म्या गेन ठाड़बा डोडिकुन चुचका संक्रमण ठाड़बा म्यासो इनी आटा
तरल रूप ठाड़वा डिनेन गाइडिडोम डो दूध पाउडर शक्कर नारियल जोजम सुनुम डो डागेन मिलावटेन उधारेबा इन्हीं गिडाकोन म्या दिनेन इलार झोको जिएबा इनिज केन फेज बायरागेन डोएज बा डिजेन चुचका दूसरी बीमारी बाने डो इनी गिड़ा केन वजन का अनुसार का जीबा स्पेशल फीड इनी ठोस ताकतवार आटा ठाड़बा इनी आटा केन सिगली का पाउडर दूध पाउडर शक्कर पाउडर नारियल जोजुम सुनुम मिलाटिएगा इनी खिजा खूब केमजोर गिडाकु केन विशेष रूपो तैयार के आटा डिकु के वजनानुसार निश्चित मात्रा निर्धारित केन समय जिएबा डीडिकुन पोषण स्थिति सुस्ती घलटी खूब जरूरी थाड़बा नाकाडोगे इनी पुष्पाबाई डो सन्नुबाई बारी भाई सेबे गिडाकु केन खूब सोप सोप टेन एल्बेंडाजोल विटामिन ए मल्टी विटामिन पोटेशियम क्लोराइड डो लोह तत्व केन दवाई आनुएवा भर्ती कुपोषित गिडाकु केन आजोमाकुन केंद्र केन ठाड़बा साठो साठोन कई जानकारी डो मांडी भी घालेबा जैसा साफ सफाई टीकाकरण बुचुआनु संक्रमण टेन ब बचाव गिडाकु केन पोषण देखरेख परिवार नियोजन बारेन भी अपकेन समझकुआ पोषण पुनर्वास केंद्र केन खूब केमजोर गिडाकुगा अंटेकुकेन केम कीमटोगा पोषक आटा उदार लंटी इटुकुआ आटा एनआरसी गेन आटा उद्रुवा देखो रेखो लंटी मिया बाई टिखनेज डी बाई इनी आटे कुकेन इठुआ यहाँ पे तो हम लोग ने कुकर में बनाए लेकिन तुम्हारे घर पे जैसे कुकर नहीं हो तो तुम लोग तपेली में बनाना है ठीक है सब क्या तपेली होगी तपेली के अंदर चावल मूंग की दाल सारी सब्जियां डाल देना है ना और नमक कोई डालेगा ठीक है यहाँ पे नमक डाला क्या नहीं डाला ना मैंने नमक यहाँ पे नमक डिटी डाल देना तो घर पे मत डालना ठीक है और ऐसे ही दलिया बना के बच्चों को देना और तपेली में देखना और जब तपेली में तुम लोग बनाओगे खिचड़ी या दलिया तो थोड़ी देर बाद देखना कि चावल पका कि नहीं पका दलिया पका कि नहीं पका पोषण पुनर्वास केंद्र गेन छुट्टी डायना बाडोन 15-15 दिनें फॉलो अप घलटी भी समझाइश जिएबा हर महीना का 15-30 तारीख गेन फॉलो अप जांचो डाटा होना फॉलो अप करवाओ जरूरी है जे होना बन है जे तो गिड़ा केन स्वस्थ बन ममनाओ इसकी छुट्टी हो गई घर जाने के लिए मैं ये दवाई पिलाने के लिए दे रही हूँ उसको रोज पिलाना हाँ सुबह शाम तीन बुन सुबह तीन बुन शाम को खाना खाने के बाद देना ठीक है ये विटामिन की दवाई है और ये सर्दी खांसी की दवाई अगर सर्दी खांसी रहती है बच्चे को तो सुबह आधा ढक्कन शाम को आधा ढक्कन खाना खाने के बाद हाँ और ये वाली रोज पिलाना खत्म हो जाए फिर आ जाना 15 दिन बाद और आना है फॉलो अप के लिए घर जाने के बाद 4 बार यहाँ पे आना है कितनी बार आना है 4 बार है ना चारों बार आना और इस कागज को साथ में लेके आना है ना 4 बार आओगे तुम तब हम यहाँ इसका वजन लेंगे तुमको दवाइयाँ देंगे है ना यहाँ पे तुमको पौष्टिक चूरा मिलेगा है ना ये पता लगाएंगे कि तुमने घर पे इसका ध्यान दिया कि नहीं दिया है ना ये चेक है ना इसको तुम कहाँ जमा करोगे तुम्हारे खाते में जमा करना है ना गिड़ाकू बारी का नागा गेल दिन ठायन भी साड़ बकी होना रगे छाजे गिड़ाकून ठेम ठेम टेन रगे छाजे होना गिड़ाकून निर्धारित मात्रा जिए आटा 80% जोजो होना डो गिड़ाकेन दूसरा इलाज डाडागा अस्पताल गेन जरूरत काबाने कार्यक्रम ठेन डिस्चार्ज डो डेक कारण गिड़ाकु बारी का नागान साड़बाने अस्पतालेन भर्ती केन दिना टेन या साल अर्गुयेन दिना बाडो 15% वजन बढ़ती होबा डो चुचका भी अस्पताला समस्या का बाने एनआरसी भी क्या हम लोग बच्चों को भर्ती करते हैं उन बच्चों में से लगभग 80% बच्चे वेट गेन कर लेते हैं और जब 4 फॉलोअप हम लेते हैं उनका 15-15 दिन के अंदर तो फॉलोअप में उनका वेट हम इंक्लूड करते हैं खंडवा जिलान पोषण पुनर्वास केंद्र जिला अस्पताल खंडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंधाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरसूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छेगांव माखन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोशनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगोड डो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडी ठाड़बा
एनआरसी अपनाओगा बिंदु। खूब कमजोर गिड़ा केन एनआरसी गेन भटेज बा। खूब कमजोर गिड़ा को के एनआरसी गेन 14 या 21 दिन टान बबरटी बोचो। खूब कमजोर गिड़ा डोडी आयोमिन एनआरसी गेन ठाड का व्यवस्था घटौआ। गिड़ा केन समय समय गेन डॉक्टर जजाचोबा डो विशेष आटा भी घटौआ। आयोमेन भर्ती केन दिना धड़की भी घटौआ। एनआरसी टे छुट्टी का बादोन गिड़ाकु के 15-15 दिन बाडोन उफुन फॉलोअप घल्टी को खेजबा। आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मदद द्वारा गिड़ा के एनआरसी गेन साकू।